साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे विग्रोमैन बुलेट। साथियों बुलेट की तरह काम करती है, जैसा नाम वैसा काम। साथियों विग्रोमैन बुलेट टैबलेट के बारे में बात करेंगे। साथियों ये 10 टैबलेट की स्ट्रिप है। साथियों ये इसका बॉक्स है, इस तरह से स्ट्रिप होती है। साथियों इसके बारे में जानेंगे, विग्रोमैन बुलेट टैबलेट है क्या, डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे, साथ ही साथ इसके इम्पॉर्टेंट यूजेस के बारे में जानेंगे एंड हाउ टू वर्क विग्रोमैन बुलेट इन द बॉडी और शरीर में कैसे वर्क करता है। साथियों इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, साइड इफेक्ट की बात करेंगे। साथियों वार्निंग एंड प्रिकॉशन की बात करेंगे, इंट्रेक्शन की बात करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट डोजेस की बात करेंगे साथियों और MRP की बात करेंगे। साथियों विग्रोमैन बुलेट कंटेंस सिल्डेनाफिल साइट्रेट। साथियों कहने का मतलब है जो इसका जो है जेनरिक नेम है, जो इसका कंपोजिशन है साथियों, सिल्डेनाफिल साइट्रेट इसमें मिला होता है साथियों, विच बिलोंग्स टू ए ग्रुप ऑफ मेडिसिन क्लास कॉल फॉस्फोडाइस्टरेज टाइप 5। साथियों कहने का मतलब है शॉर्ट में PDE5 इनहिबिटर क्लास की ये दवा है, जिसको हम फॉस्फोडाइस्टरेज टाइप 5 इनहिबिटर भी कहते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड टू ट्रीट एडल्ट मैन विद इरेक्टाइल डिसफंक्शन। साथियों ये जो है पुरुषों के लिए उपयोग करने वाली दवा है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहने का मतलब एक तरह से हिंदी में इसको नपुंसकता कह सकते हैं, शीघ्र पतन कह सकते हैं। सेक्स के दौरान जो कमजोरी है, कमी है, उसको जो है स्ट्रांग करने के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए और नपुंसकता खत्म करने के लिए, एक तरह से समझ लीजिए कि जो वीकनेस आ जाती है उसको दूर करने के लिए और जो मतलब सेक्स के दौरान जो प्लेजर देता है उसमें जो है ये बहुत ही बढ़ोतरी और इजाफा करती है। साथियों कहने का मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन में यूज करने वाली दवा है आल्सो नोन एज इम्पोटेंसी। इम्पोटेंसी जो है साथियों नपुंसकता को कहते हैं साथियों। एंड इट हैपेंस व्हेन ए मैन कैन नॉट गेट द कीप ए हार्ड इरेक्शन। कहने का मतलब है जब उसका लिंग जो है बहुत हार्ड इरेक्शन नहीं करता है और पेनिस सुटेबल फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर सकता है, ऐसे केस में क्या होता है, इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। साथियों इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या है इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में जान लें। इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज ए इनएबिलिटी ऑफ मैन टू अटेन द मेंटेन द इरेक्ट पेनिस। कहने का मतलब है पुरुष के अंदर जो है क्या होता है, अटेंशन नहीं रहता है जो मेंटेन कर सके इरेक्ट मतलब पेनिस। पेनिस जो है बहुत स्ट्रांग नहीं होता, देर तक खड़ा नहीं हो सकता है, ऐसे केस को जो है हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। और उसमें क्या होता है, विद सफिशेंट रिगिडिटी टू अलाउ द सेक्सुअल इंटरकोर्स। और जब सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है अलाउ मतलब करने की क्षमता पूरी हो जाती है तो उसमें उपयोग करने वाली यह दवा है, उसको हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है पेनिस इरेक्ट नहीं होता है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी में ऐसे कर सकते हैं कि मतलब लिंग जो है प्रॉपर काम नहीं करता है और उसमें तनाव नहीं आता है, उस तनाव को जो है लाने के लिए इस दवा का उपयोग किया जाता है। साथियों दिस मेडिसन वर्क बाय हेल्पिंग टू रिलैक्सेस द ब्लड वेसल्स इन पेनिस। और ये क्या करता है, पेनिस की ब्लड वेसल्स को जो है रिलैक्सेस करता है और उससे क्या होता है, अलाउ द ब्लड फ्लो इन द पेनिस व्हेन यू गेट सेक्सुअल एक्टिविटी। और जब सेक्सुअल एक्टिविटी करने जाते हैं उससे एक घंटा या आधा घंटा पहले इस दवाई का सेवन किया जाता है तो उस समय जो है बहुत ही पार्टनर के साथ जो है आपको इंजॉय आएगा और जो इरेक्टाइल पेनिस है वो ज़्यादा होगा, शीघ्र पतन की समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। साथियों ये साथियों विर्गोमैन जो टैबलेट है साथियों, ये जो है क्या कहते हैं कि जो है नोविता हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी की ये दवाई है। नोविता हेल्थ केयर लिमिटेड एक सिनकॉम हेल्थ की सिनकॉम लाइफ साइंसेस सिनकॉम की एक डिवीजन है साथियों, उसका ये टैबलेट है। साथियों ये 10 टैबलेट की स्ट्रिप है, 300 रुपये इसकी MRP है। साथियों एक और चीज़ बताऊंगा, ये तो एक ब्रांड है सिनकॉम हेल्थ केयर लिमिटेड का, लाइफ साइंसेस का। साथियों जन औषधि की दुकान पर 10 रुपीज़ में 10 स्ट्रिप टैबलेट जो है, एक स्ट्रिप टैबलेट जो है आसानी से मिल जाती है। तो साथियों जन औषधि पर भी जेनरिक ब्रांड अवेलेबल है, लेकिन ये ब्रांडेड है। जेनरिक की मैं बात कर रहा हूँ, जन औषधि पर भी अवेलेबल हो जाएगा, ये एक मैंने आपको बताया। साथियों इसके इम्पॉर्टेंट यूज के बारे में बात करेंगे विग्रोमैन टैबलेट के बारे में। तो साथियों जैसा कि अभी डिस्क्रिप्शन में बताया, ट्रीट इरेक्टाइल डिसफंक्शन, कहने का मतलब है नपुंसकता को दूर करता है और पेनिस जो है इरेक्ट नहीं करता है, लिंग में जो है क्या होता है कमजोरी आ जाती है, ढीलापन आ जाता है, उसको दूर करता है।
और उससे जो है क्या होता है सेक्स करने में जो है इंटरकोर्स करने में जो है क्या होता है कि मजबूती मिलती है। साथियों कहने का मतलब हिंदी में ये कह सकते हैं इस दवा को खाने के बाद सेक्सुअल पावर 100 गुना बढ़ जाएगी और बीवी बोलेगी बस करो बस करो, इस तरह की ये जो है दवा है साथियों, बहुत ही अच्छी दवा है साथियों। तो इसके बहुत से यूजेज है जैसा कि बताया है साथियों हमने डिस्क्रिप्शन में कि इनेबिलिटी ऑफ मैन होता है जिसमें अटेंशन नहीं रहता है, मेंटेन नहीं होता है, पेनिस इरेक्ट नहीं करता है और जो है अलाउ टू सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है करने में बहुत मददगार है साथियों। ये तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में इस्तेमाल करने वाली दवा है साथियों। ये इसके यूजेस था हाउ टू वर्क जो है विग्रोमाइन, ये बॉडी में वर्क कैसे करता है साथियों, जैसा कि अभी हमने बताया सिल्डेनाफिल साइट्रेट वर्क बाय हेल्पिंग टू रिलैक्सेस द ब्लड वेसल्स इन द पेनिस, जो कि डिस्क्रिप्शन बताया उससे क्या होता है अलाउ ब्लड फ्लो इन द पेनिस व्हेन यू गेट सेक्सुअल एक्साइटमेंट, और उससे क्या होता है सेक्सुअल एक्साइटमेंट होने लगता है। तो ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है सिल्डेनाफिल साइट्रेट। साथियों इसके इस्तेमाल से कुछ साइड इफेक्ट हैं, तो जैसे जो लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करते हैं या क्षणिक साइड इफेक्ट हैं इस तरह से कह सकते हैं, जैसे सर में दर्द होने लगता है, स्टमक अपसेट हो जाता है, डायरिया टाइप के बनने के चांस हो जाते हैं और क्या होता है बैक पेन होने लगता है, मसल पेन होने लगता है, नोजिया हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं और ब्लड प्रेशर कभी कभी बढ़ जाता है और आई में प्रॉब्लम हो सकती है, आँख में धुंधलापन दिखने का या इस तरह से जो है क्षणिक कुछ देर तक नहीं दिखेगा, इस तरह का साइड इफेक्ट हो सकता है। तो इसके साइड इफेक्ट साथियों वार्निंग एंड प्रिकॉशन की बात करेंगे तो जब भी विग्रोमाइन टैबलेट इस्तेमाल करें तो ड्राइविंग ना करें क्योंकि इसके खाने के बाद सेडेशन होने के चांस होते हैं, नींद आ जाती है क्योंकि आँखों की दिक्कत होती है, एक तरह का साइड इफेक्ट है, और हैवी मशीनरी ना चलाएं और इसके बाद जो है अल्कोहल ड्रिंक ना पिए साथियों, और अगर किडनी डिजीज है पहले से या किसी को लीवर डिजीज है या मतलब हाइपर सेंसिटिविटी, अगर आपने पहले सिल्डेनाफिल साइट्रेट कंपोजिशन की कोई दवा खाई है और आपको साइड इफेक्ट करती है तो ऐसे केस में इस दवाई का सेवन ना करें, और हार्ट की जिसको बीमारी है ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो इस दवाई का सेवन ना करें। साथियों इंट्रक्शन की बात करेंगे सिल्डेनाफिल साइट्रेट विग्रोमाइन बुलेट का इंट्रक्शन जो है नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट आती है अगर वो खा रहे हैं तो उसके साथ इस दवाई का सेवन ना करें, इंट्रक्शन होने के चांस होते हैं। साथ ही साथ एमाइल नाइट्रेट उसके साथ इस दवाई का सेवन ना करें, एंड बीपी ब्लड प्रेशर की किसी तरह की मेडिसिन अगर आप खा रहे हैं तो उसके साथ इस दवाई का सेवन ना करें, इंट्रक्शन की मतलब होने के चांस हैं। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट डोजेस की बात करेंगे साथियों, प्रिस्क्राइब मेडिसन है डॉक्टर की सलाह से पहले तो लें, अगर अदरवाइज जो है जब भी सेक्स करने का मतलब मूड बनता है तो उसके आधा एक घंटा पहले इस दवाई का सेवन करें और दिन में एक बार ही करें, 100 mg की खाएं या तो 50 mg की। साथियों ये 100 mg और 50 mg में मार्केट में अवेलेबल है, तो कहने का मतलब हाफ एन आवर बिफोर, हाफ एन आवर या 1 आवर, कहने का मतलब आधा घंटा पहले या एक घंटे पहले इस दवाई का सेवन करें। साथियों आपको इसकी स्ट्रेंथ के बारे में बताएंगे तो ये जो है टैबलेट फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है, इसके कैप्सूल फॉर्म में भी आते हैं और ये ओरल सॉल्यूशन के फॉर्म में भी अवेलेबल है, इंजेक्शन के फॉर्म में भी अवेलेबल है, जेली भी अवेलेबल है, स्प्रे भी अवेलेबल है साथियों। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे साथियों, विग्रोमाइन बुलेट जो है जैसा नाम वैसा काम इसका है साथियों, मार्केट में आसानी से आपको अवेलेबल हो जाएगी, बहुत ही अच्छा इसका रिस्पांस है। साथियों किसी तरह की क्वेरी आप हमें जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।